नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके जूनियर 30 पर। शिक्षण संस्थान में पार्ट वन वीडियो के बाद पार्ट टू वीडियो में 41 नंबर क्वेश्चन से हम देखेंगे कि धनबाद स्थित पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई है। 40 क्वेश्चन तक हो गया है हमारा पार्ट वन वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं। आगे इस वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस पर गौर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 41 यानी धनबाद स्थित पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा D-74, यानी 1974 में धनबाद में स्थित पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय है, उसकी स्थापना 1974 में हुई है। अब आइए, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा धनबाद। ये नाम भी याद रखना है और कहाँ अवस्थित है ये भी याद रखना है और कब स्थापना हुआ है। अब आइए 43 नंबर, केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान की स्थापना कब हुई है। केंद्रीय मनोचिकित्सक की स्थापना यानी एसाइलम की स्थापना कब हुई है, केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान की स्थापना कब हुई है। चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें आंसर होगा हमारा बी यानी 1918। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी। अब आइए, केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान चिकित्सा संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है, 44 का आंसर हो जाएगा रांची। ए नंबर आंसर हो जाएगा रांची, ध्यान दीजिएगा रांची आंसर होगा। एसाइलम कहाँ है, झारखंड में रांची में। अब आइए, क्या है पागलखाना जिसको बोलते हैं। रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई है। तो वो केंद्रीय वाला है, ये जनरल वाला है, इसमें केंद्रीय बात नहीं कहेगा। तंत्रिका मनोचिकित्सा ये वर्ड रहेगा तो स्थापना का डेट अलग हो जाता है, यानी 45 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 1925। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड वेटनरी महाविद्यालय रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ अवस्थित है। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी रांची में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि जेबियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा कहाँ के द्वारा की गई थी, यह कहाँ अवस्थित है। तो चार ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन सही है धनबाद, ये सॉरी जमशेदपुर में होगा ये। अब आइए उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि जेबियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। देखिए थोड़ा सा नाम है अंतर है, यहाँ पर देखिए लेबर लगा हुआ है, लेबर, और यहाँ पर है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस ध्यान दीजिएगा, सोशल सर्विस वाला क्या हो जाएगा। तो सोशल सर्विस वाला आंसर हो जाएगा, सोशल सर्विस वाला आंसर हो जाएगा आपका, सोशल सर्विस वाला रांची। 48 का हो जाएगा बी। अब आइए, क्या है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी यानी रांची में। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो जनजातीय शोध संस्थान गुमला, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, तो रांची आंसर हो जाएगा। जनजातीय शोध संस्थान कहाँ है, तो रांची आंसर होगा। सॉरी, इसके पहले हम 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो लाह अनुसंधान केंद्र रांची में अवस्थित है, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, स्थापना इसका 1945 में हुआ है, वो किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये 51 का आंसर हो जाएगा सी यानी धनबाद में, धनबाद आंसर होगा। आगे है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है धनबाद, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, डी हो जाएगा आंसर धनबाद।
अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आंसर, इसका आंसर जमशेदपुर में है। धातु विज्ञान एवं प्रयोगशाला, धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में। अब आइए, केंद्रीय तस्सर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तस्सर अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये याद रखिएगा, तो तस्सर रांची में, तस्सर वाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में, ये याद रखना है आपको। अब आइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर आयरन एंड स्टील कहाँ अवस्थित है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट आयरन एंड स्टील कहाँ अवस्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, रांची। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? मृदा शोध संस्थान, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है कि 58 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये भी हजारीबाग में अवस्थित है। अब आइए, कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये कृषि पर्यटन केंद्र, 58 का आंसर हो जाएगा डी, यानी हजारीबाग। कृषि और ये वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान दोनों हजारीबाग में है, ये दोनों याद रखिएगा। अब आइए, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान, रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आंसर हो जाएगा रांची। जिसका आप अगर नहीं जान रहे हैं तो उम्मीद है उसका आंसर रांची होता है, आप तुक्का भी लगा। तो जनजातीय शोध संस्थान जो कि हमने पढ़ चुका है, क्या है? जनजातीय शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो रांची में अवस्थित है। अब आइए, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई है? तो ये ट्राइबल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1953 में हुआ है। रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, सी आंसर हो जाएगा, यानी रांची 1953। अब आइए, 62 नंबर क्वेश्चन है, 1952 में स्थापित श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? लोक प्रशासन यानी JPSC का जो ट्रेनिंग होता है वो कहाँ होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा रांची में होता है। JPSC पास करने के बाद जो ट्रेनिंग होता है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका स्थापना कब हुआ है? तो हजारीबाग में है। और स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा, 63 का आंसर हो जाएगा बी, 1912 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आइए, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण स्कूल, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ अवस्थित है? ये भी याद रखना है। 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मेरू हजारीबाग, मेरू हजारीबाग, मेरू बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हजारीबाग में। अब आइए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 65, हजारीबाग स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मेरू हजारीबाग में जो हुआ है, उसकी स्थापना कब हुई है? आपको डेट जानना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा, 65 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1966। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित नेटर हार्ट आवासीय विद्यालय की स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की है, झारखंड में किस जिले में है? तो नेटर हार्ट कहाँ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लतेहार में है, याद रखिएगा। 66 का आंसर हो जाएगा बी, लतेहार। अब आइए, नेतर हाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई है, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतर हाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो 15 नवंबर 1954 को हुआ है। अब आइए, उसी तर्ज पर हजारीबाग में अवस्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो महिला के लिए है, यानी केवल लड़की के लिए है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1984, ये याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना रक्षा सेवा के लिए
शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। ये कहाँ है? तो तिलैया कोडरमा में, सैनिक स्कूल तिलैया के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ अवस्थित है? तो कोडरमा में। अब आइए कि तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1963। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना जो हुआ है 1963 में हुआ है। तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना 1963, बी नंबर आंसर। अब आइए कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ये। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ अवस्थित है? आप मन में अपना आंसर को जांचिए, उसके बाद जवाब दीजिए, और मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो याद कर लीजिए, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। तो रांची में कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो रांची में, याद रखिएगा। अब आइए SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ अवस्थित है? SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो रांची में अवस्थित है, ये याद रखिएगा, डी नंबर। अब आइए गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? 73 नंबर का क्वेश्चन का क्या है? गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, देवघर में। गुरुकुल यानी रामकृष्ण मिशन, उस टाइप के स्कूल गुरुकुल स्कूल कहलाते हैं। तो कहाँ पर है? देवघर में। अब आइए क्या है, झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं? तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान अवस्थित हैं? तो 43, 74 का आंसर हो जाएगा 43, यानी डी। अब आइए अगला क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना चलाई है जो कक्षा 8 से नामांकित विद्यालय को उपलब्ध है। क्या कह रहा है? तो इसमें क्या उपलब्ध है 8 क्लास के लिए? मध्याह्न भोजन की योजना उपलब्ध है। 75 का आंसर हो जाएगा बी, मध्याह्न भोजन ये उपलब्ध है। अब आइए 76 नंबर पढ़ते हैं, क्या है कि निम्न में से IIT का दर्जा प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI। क्या है IIT का दर्जा किसको प्राप्त है झारखंड में? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद में जो है वो IIT का दर्जा इसको प्राप्त है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मेंटल कास्टिंग फॉर टेक्नोलॉजी शिक्षण प्रशिक्षण शोध एवं विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना कब हुई है? इसका डेट जानना बहुत जरूरी है। 77 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1966। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान बरही हजारीबाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। तो इसकी स्थापना 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, ये भी सही है। उसके बाद है, इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास करते हुए एकत्रित कृषि प्रणाली को तैयार करना। इसका मुख्य लक्ष्य पूर्वी भारत में कृषि क्रांति लाना। तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर, जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, 1960, यानी 1960। अब आइए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है, 80 का आंसर हो जाएगा ए, जादूगोड़ा। केंद्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा। अब आइए विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? धनबाद में की गई है तो 81 का आंसर हो जाएगा 2017 में, कोलांचल बाद में हुआ है, कोलांचल हम लोग पढ़े थे। तो
कुलांचल का 2017 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है जो लास्ट है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या है भारतीय प्रबंध संस्थान IIM की स्थापना कब हुई है? तो 6 जुलाई 2010, ये याद रखिएगा। क्या है IIM की स्थापना? भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रांची में स्थापना कब की गई है? 2010 में की गई है, 6 जुलाई 2010। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM। तो बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।